साथ बात कर सकते हैं। जूम ऐप में 1-to-1 मीटिंग और 40 मिनट की ग्रुप कॉलिंग की सुविधा मिलती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जूम ऐप भारत में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन चुका है। लेकिन इसी जूम ऐप को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जूम ऐप की सिक्योरिटी और प्राइवेसी में कई तरह की खामियां हैं। ब्लिप हेलो गाइज, मेरा नाम है कीर्ति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शत्रानी कीर्ति। और आज जो मैं ये ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें मैंने शो किया है कि कैसे मैं अपना जो भी कोरोना की वजह से जो भी लॉकडाउन हुआ है उसमें मैं अपना दिन कैसे स्पेंड कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें इस ब्लॉग के थ्रू आपके साथ शेयर की हैं जो मैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए करती हूँ पूरा दिन में। और ये सभी जो फुटेज आप देख रहे हो ये मैंने अपने फ़ोन से रिकॉर्ड किए हैं। काफ़ी नेचुरल इफ़ेक्ट मैंने इसमें कैप्चर करने की कोशिश की है। आई होप आपको मेरी कोशिश पसंद आएगी। और वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा प्लीज़, ताकि आप जो भी मैंने रिकॉर्ड किया है आप उसे देख पाएँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे मैंने ये प्लेट उठा के ले आई हूँ अंदर, जो मम्मी ने सूखने के लिए रखी थी। और पूरा दिन बस सारा टाइम ऐसे ही निकल जाता है घर की डस्टिंग करने में और घर के जितने भी डोमेस्टिक वर्क्स होते हैं मम्मी की हेल्प करने में निकल जाता है। तो आप भी कर सकते हो अपना टाइम यूटिलाइज करने के लिए। ताकि आप लोग बोर ना हो इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड आपको शो हो रहा है ये, ताकि कम से कम टाइम में आप देख पाएँ मेरा जो भी डेली रूटीन हो जाता है। और आजकल ताकि हम लोगों की स्टडी भी डिस्टर्ब ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाएं, तो कुछ टाइम हमारा ऑनलाइन क्लास लेने में निकल जाता है। जो भी हमारे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर जो भी अदर कोर्सेज हैं सभी के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो हमारा भी असाइनमेंट है तो वो भी मुझे कंप्लीट करना होता है, तो 2-3 घंटे आराम से उसमें निकल जाते हैं। 2 घंटे की हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, एक दिन में होती है और एक इवनिंग में होती है, और बाकी का टाइम असाइनमेंट्स कंप्लीट करने में जाता है मेरा। सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग लंच वगैरह की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। और आज के व्लॉग में लंच में क्या हमने बनाया है वो भी आपको आगे मैं दिखाऊंगी। आई डिडंट डू एनीथिंग, जस्ट मम्मा ने किया और मैंने बस थोड़ा सा फुटेज रिकॉर्ड किया। और फटाफट हमारी हो गई पकौड़े वाली कढ़ी रेडी और फिर हमारा लंच रेडी हो गया था। इतनी झटपट अगर रियल में भी बनता तो क्या बात होती, बट ये मैंने स्पीड इसमें ऐड कर दी है ताकि फटाफट इसमें शो हो जाए।
और फिर जब ये बॉईल होने लगे तो इसमें फिर हमने जो हमने पकौड़ियाँ बना के रखी हैं उसको बाद में इसमें ऐड कर दिया। और ये रहा हमारा फाइनल प्लेट, करी चावल यमी। और इवनिंग में जस्ट अ कप ऑफ टी और दिन ख़त्म।